हेलो गाइस, आई एम बैक अगेन ऑन माय चैनल साइंस फिटनेस एंड हेल्थ। आज हम बात करने वाले हैं क्रिएटिन के बारे में। सो क्रिएटिन एक ऐसा सप्लीमेंट है जिसे मोस्टली सारे बॉडी बिल्डर्स यूज करते हैं और जिम के बहुत सारे बंदे हैं, मेरे जिम में भी हैं, बहुत सारे बंदे यूज करते हैं क्रिएटिन को। और क्रिएटिन कैसे यूज करना है ये भी मैं बताऊंगा, और कब इसका यूज किया जाता है वो भी मैं बताऊंगा। प्लस इसके बारे में क्या मिथ है बहुत सारे लोगों के माइंड में ये भी मैं बताऊंगा आपको। सो गाइस वीडियो में बने रहें। सो गाइस सबसे पहले मैं बात करता हूँ क्रिएटिन का मिथ जो सबके माइंड में है। सो गाइस बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि क्रिएटिन लेने के बाद उनके किडनी में स्टोन हो जाएगा, बट ये एक सिर्फ मिथ है, सिर्फ लोगों की कल्पना है और ये झूठ है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि क्रिएटिन चलाने के बाद आपके किडनी में स्टोन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। प्लस उसको लेने के बाद आपके शरीर में एक अलग ही स्ट्रेंथ आ जाता है, ताकत आ जाता है, जो आपको वर्कआउट करते वक्त आपको एक अलग ही ताकत देगा। प्लस आपका वर्कआउट शेड्यूल बहुत ही अच्छा बना देगा जिससे आपको एक बेटर रिजल्ट मिलेगा, जैसा आप बॉडी चाहते हो, एक शेप चाहते हो, एक बढ़िया सा वो एक मतलब पूरा एकदम प्रोवाइड करेगा आपको। क्यों? क्रिएटिन योग्य हमारा मिथ का, इसको दूर करते हैं। प्लस इसको कब यूज़ करना है ये भी मैं बताता हूँ। आप इसको प्री वर्कआउट में यूज़ करें, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि आप जब प्री वर्कआउट में यूज़ करोगे तो आपके शरीर को ये स्ट्रेंथ देगा। जब आप वर्कआउट करने जाओगे तो उसमें आप बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर सकते हो अपने वर्कआउट में, प्लस 100% आप दे सकते हो अपने वर्कआउट को। सो गाइस आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं? आप मोस्टली इसको 30 डेज तक यूज़ करें। तो सबसे पहले 2 वीक्स में आप 2 से 3 ग्राम क्रिएटिन को पानी में लेकर आप यूज़ कर सकते हैं, चलाएं इसको। फिर आफ्टर 2 वीक्स आप इसी 2 से 3 ग्राम को 1 ग्राम और इंक्रीज कर लीजिए, इसमें ऐड कर लीजिए 4 ग्राम कर लीजिए, और इसको 2 हफ्ते और चलाइए। दैट्स मीन्स आपका 1 मंथ कम्प्लीट हो जाएगा, जिसमें आपको 1 महीने में जो रिज़ल्ट मिलना चाहिए आपके अंदर, आपको इम्प्रूवनेस क्या होगा वो आपको सब रियलाइज़ हो जाएगा, फील होना स्टार्ट हो जाएगा कि कितना आपका बॉडी इम्प्रूव हुआ है। प्लस ये आपके मसल को रिपेयर करता है। जब भी सपोज दैट ये बाइसेप की साइज इतनी है, जब मैं वर्कआउट करूँगा तो शेप इसका थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ का मसल ब्रेक हुआ है, तो उसी मसल जो वहाँ का ब्रेक हुआ है उसी ब्रेक पार्ट को हम रिपेयरिंग का काम कौन करेगा? क्रिएटिन हमारा। सो क्रिएटिन कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता आपके शरीर को, बट उसका यूज़ जो होता है वो लिमिट होता है, उसका भी लिमिट होता है कि आपको कितना यूज़ करना है। ऐसा थोड़ी है कि लिखा है 4 ग्राम यूज़ करना, आप उसको 8 ग्राम यूज़ कर रहे हो, लिखा है 1 टाइम यूज़ करना दिन में, आप उसको 2 से 3 बार यूज़ कर रहे हो, तो भाई उसके साइड इफेक्ट तो आपको दिखेंगे ही। सो उसके डोसेज उतने ही लेना है जितने उस पर लिखे हुए हैं, 2 से 3 ग्राम, दैट्स इट, ज़्यादा उससे नहीं लेना है। सो क्रिएटिन आप सभी बिगनर्स हों, चाहे इंटरमीडिएट हो, चाहे एडवांस लेवल के हो, आप किसी भी लेवल पे आप इस क्रिएटिन को चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सो ओके, बाय बाय, आज का वीडियो बस इतना ही पे। ओके बाय।